तो जैसा कि हमने आपको बताया था, वरिष्ठ वकील गीता लूथरा हमारे साथ मौजूद हैं। तो धाराएं हम आपको बता दें जो लगी हैं, आईपीसी की धारा 121, 121 ए, 122, 123, 224, 225 के तहत केस दर्ज किया गया है। मैम, अगर फिलहाल पहले इन्हीं धाराओं पर बात की जाए तो ये धाराओं में इसमें क्या क्या प्रावधान है? देखिए, ये जो धारा है 121, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देश के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ना है, तो इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है पनिशेबल। 121 ए है कॉन्स्पिरेसी करना इन्हीं चीज़ों को करने के लिए, तो ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स पनिशमेंट है। फिर 124 ऐड किया गया है, वो सिडिशन का सेक्शन है। उसके अलावा 123 ऐड किया गया है, कोई अपने आप को छुपाए, यही काम करने के लिए कोई चीज़ों को छुपाए, कंसील करना और छुपाना, इस ये भी मेरे ख्याल 10 साल की पनिशमेंट और लाइफ है इसमें भी। तो इसके अलावा कुछ धाराएं मुझे जो लगता है ठीक होती वो है राइटिंग करना, आर्सन करना, बारूद या राइटिंग के ऐसे सामान इकट्ठे करना जैसे एसिड, जो डेडली वेपन में आ जाएंगे, तो इनमें खाली 2 साल और 3 साल की सज़ा है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ये मेरे ख्याल इतना आसान नहीं होगा इनको प्रूव करना, अनलेस ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट की जो परिभाषा है उसको बहुत बढ़ा ले। ये बात जरूर दुरुस्त है कि इन्होंने राइटिंग करी है, इन्होंने जी ये बात तो है, कल जिस तरीके से एक पर्सनल कमांडो और पुलिस को पुलिस के साथ यूं कहें कि हमला मोल लेना, पुलिस के ऊपर हमला करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये सब धाराएं हैं, और लगता है यहाँ से जो आगे राह है वो कहीं ना कहीं मुश्किल ही होने वाली है। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और इन धाराओं के प्रावधान समझाने के लिए।